हरजस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं हेमानी अज की खबर में थोड़ा सारिया का स्वागत करती हाँ। अज की जी अपडेट आ रही है जी वो आ रही है चंडीगढ़ तो, थोड़ा दस दईए कि चंडीगढ़ में जाली GST नंबर लैके धंधा चल रहा है। प्रशासन ने करदे आबकारी विभाग वालों फर्जी GST टैक्स देने वालिया ते नज़र रखने लिए मुहिम चलाई गई है। ये मुहिम 15 मई तो 15 जुलाई तक चलाई जा रही है। तुहानू दस दईए कि प्रशासन अनुसार हुण तक मुहिम दौरान की गई फिजिकल वेरीफिकेशन लई 4 लीडर उन्होंने कारोबारी स्थानक विच नहीं पाया गया है। इस दे नाल ही यही कारण है कि 2 लीडर की GST नंबर सस्पेंड कर दिए गए हैं। GST एक्ट के तहत 37.99 लाख रुपए के ITC ब्लॉक कर दिया गया है। इस दे नाल ही जो लीडर इसका लाभ ना चुक सकन, बाकी के 2 लीडर एक दे GST नंबर रद्द करने लई अर्जी दी गई है, जबकि दूजे दे GST नंबर रद्द करने लिए विभाग वालों नोटिस जारी कर दिया गया है। तुहानू दस दईए कि इस तो इलावा हुण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश अते आंध्र प्रदेश समेत वख वख राज्यों तो सूचना प्राप्त की जा रही है, जिस विच चंडीगढ़ फार्मा अपने राज्यों विच गैर मौजूद सप्लायर अते ETSC प्राप्त करन वालियां दे वेरवे दे रिपोर्ट कर रही है। इन्हां गैर मौजूद सप्लायर अते खरीददारी करन ते चंडीगढ़ दे टैक्स दवातां दौरान प्राप्त की ITC नूं कानून दे अनुसार बतौल किया जाएगा अते वसूल किया जाएगा। दूजे पासे UT प्रशासन दे GST कमाई विच लगातार वाधा हो रहा है, पर इस दे बावजूद कई लोग शहर विच जाली GST रजिस्ट्रेशन करवा के गलत लेन देन दे इनपुट टैक्स क्रेडिट दा फायदा उठा रहे हैं। अधिकारियों मुताबिक जाली GST टैक्स दवावां खिलाफ GST कानून दी व्यवस्था अनुसार कार्रवाइयां कीतियां जाणगियां। अप्रैल महीने विच 255 करोड़ रुपए दे GST कलैक्शन होया है, जदों कि पिछले साल अप्रैल महीने च 249 करोड़ रुपए दी कमाई हुई सी। पेट्रोल अते शराब नूं छड के हर चीज़ ते GST लगाया जाता है। इस साल मार्च महीने विच 202 करोड़ रुपए दी GST इकट्ठा हुई है, जबकि मार्च 2022 विच 184 करोड़ रुपए ही वसूले गए सन।